तो दोस्तों स्वागत है एक ओवरव्यू में। और अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो है फुटबॉल मैच को कवर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर सीएनजी वर्सेस जहाँ पर एमओआर के बीच में मैच वाली है। सो को आप शुरू से तक जरूर से जरूर देखेंगे, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पर बात करने वाले हैं। एंड सर सो ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे जिनका सिलेक्शन काफी कम रहेगा उनमें, एंड कह तो आपके लिए गेम चेंजर पिक साबित हो सकते हैं आज की इस मैच में। एंड ट्रस्ट में दोस्तों आज की गेम में ऐसे प्लेयर्स मैं आपको देने वाला हूँ जो बहुत ही कम सिलेक्शन के साथ आएंगे, 3 से 4% सिलेक्शन के साथ आएंगे, और जिनको हमने कैप्टन बना रखा है दोस्तों उसका सिलेक्शन देखकर बिल्कुल ही चौंकने वाले हो। तो सिंपली बात करते हैं हम जो है डिटेल्स की, एंड उसके बाद आपको टीम दिखाएंगे आज की इस मैच की। तो यहां दोस्तों बात करेंगे सबसे यहां पर प्रीमियर स्टेट की, दोस्तों बात करें तो यहां पर दो टीम्स के जो है 10 मैचेस की बात करेंगे। सीएनजी की बात करें तो यहां पर दोस्तों 10 में से 5 गेम्स इन्होंने विन किया है, 3 मैचेस दोस्तों इनके ड्रॉ हुए और बाकी के 2 गेम्स आ रहे अपने लास्ट के जो है 10 मैचेस में। वही दोस्तों एमओआर की बात करें तो 10 में से 9 गेम्स इन्होंने विन किया है, 1 मैच दोस्तों इनका ड्रॉ हुआ है और बाकी एक भी गेम ये हारे नहीं अपने लास्ट के 10 मैचेस में। गोल्स की बात करें तो यहां पर सीएनजी की टीम ने यहां पर 10 मैच में 17 गोल का स्कोर किया है, और वही दोस्तों एमओआर की टीम ने यहां पर 31 गोल का स्कोर किया अपने लास्ट के जो है 10 मैचेस में। बात करें दोस्तों यहां पर रीसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको दो टीम्स के जो है लास्ट के 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सीएनजी की बात करें तो यहां पर 5 में से जो है 2 गेम्स आ रहे हैं और बाकी के 3 गेम्स इन्होंने विन किया अपने लास्ट के 5 मैचेस में। और वही दोस्तों बात करें यहां पर एमओआर की, तो 5 में से 1 गेम हारे हैं और बाकी 1 मैच दोस्तों इनका ड्रॉ हुआ है और बाकी के 3 गेम्स इन्होंने विन किया अपने लास्ट के जो है 5 मैचेस में। हेड टू हेड रिजल्ट्स की बात करें तो कुल टोटल दोस्तों 2 मैचेस हुए दो टीम्स के बीच में। पहली मैच की मैं बात करूं तो यहां पर ये जो है देख सकते हो 1-0 का स्कोर कार्ड आता और यहां पर दोस्तों जो है सीएनजी की टीम ने इस मैच को विन किया था। सेकंड मैच की बात करें दोस्तों तो यहां पर जो है ड्रॉ देखने वाला था, 1-1 गोल का स्कोर हुआ था दोनों टीम्स की तरफ से और यहां पर जो है जो रिजल्ट निकल के आता है बिल्कुल ड्रॉ निकल के आता है। तो हेड टू हेड के 2 गेम्स में अगर देखोगे तो कोई भी टीम ऐसी नहीं निकल के आई जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि हाँ वन साइडेडली विन कर रही है, और एक टीम काफी कमजोर है। यहां पर बिल्कुल दोनों टीम सिमिलर है और अच्छा खासा मतलब टक्कर वाला मैच आपको देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों बात करते हैं आप जो है सीएनजी की प्लेयर स्टेट की, तो यहां दोस्तों जो है मुकानी दोस्तों यहां पर 4 गोल का स्कोर किया है, इनके तरफ से टॉप गोल स्कोरर है और सिलेक्शन वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 3% सिलेक्शन के साथ आपको दिख जाएगा आज इस गेम में। बाकी बात करें दोस्तों जो है बेन की बात करो, जिसने भी 2 गोल का स्कोर किया, बाकी कार्ड्रिक अकोलो की बात करें तो उसने भी 1 गोल का स्कोर किया और गेल का कोटा ने यहां पर 1 गोल का स्कोर किया और बाकी नाथन इडुम्बा ने भी दोस्तों यहां पर 1 गोल का स्कोर किया। तो ये इनके गोल के स्टेट्स है। असिस्ट की बात करेंगे तो यहां पर सेड्रिक ने दोस्तों इनके तरफ से 1 असिस्ट किया दोस्तों, ओनली इसी ने असिस्ट किया रीसेंट गेम्स में। तो ये इनके रीसेंट मैचेस के पूरे प्लेयर के स्टेट्स हमने आपको यहां पर मेंशन कर रखा है, आराम से आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सेकंड टीम की बात करें दोस्तों यानी कि जो है एमओआर की बात करेंगे यहां पर प्लेयर स्टेट की, तो यहां पर दोस्तों कावी ने यहां पर 5 गोल का स्कोर किया है, इनके तरफ से टॉप गोल स्कोरर है और सिलेक्शन वाइज देखोगे तो ओनली 6% लोगों ने ट्राई कर रखा ड्रीम 11 में। आज की इस मैच में हमारा कैप्टन रहेगा, देख सकते हो बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। रयान की बात करें तो उसने भी 4 का स्कोर किया है, बाकी इमरान की बात करें इसने 2 गोल का स्कोर किया, सलीम की बात करें इसने 2 गोल का स्कोर किया और हकीम ने भी दोस्तों यहां पर जो है 1 गोल का स्कोर किया, एम ने भी आपको दोस्तों 1 गोल का स्कोर किया है और बाकी सबका स्टेट्स हमने आपको 1 बाय 1 मेंशन कर रखा है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। असिस्ट की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो जो है अशरफ ने दोस्तों यहां पर जो है अशरफ ने यहाँ पर 1 असिस्ट किया, बाकी मोनी ने 1 असिस्ट किया है। तो ये इनके जो है असिस्ट के स्टेट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दो टीम्स की डेफ लाइन के प्लेयर की स्टेट की बातें, आई होप ये सब आपने इंपॉर्टेंट और बेहतरीन साबित हो। सिंपली बात करते हैं टेलीग्राम प्रीव्यू की, टेलीग्राम प्रीव्यू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ज्वाइन करना है, जो भी हमारा अपडेट रहेगा सिंपली दोस्तों आपको ये मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका जो सीधा लिंक है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहां पर टाइटल पे क्लिक करना है, जैसे ही टाइटल पे आप क्लिक करोगे आ जाओगे डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में ही दोस्तों हमने लिंक मेंशन करेगा, सिंपली आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है एंड फाइनल टीम आपको दोस्तों टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों अभी तक आपने चैनल को जो है यहां पर जो है लाइक मतलब यहाँ की सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आपको घंटे आइकन ऑल पर प्रेस करना, नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल वाला आइकन होगा उसको आपको प्रेस करना है, प्लस यहां पर घंटे आइकन भी ऑल पर प्रेस कर लेना है क्योंकि एक भी अपडेट आपको मिस नहीं करना है। एंड वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों अभी तक तो आपको लाइक का बटन जरूर से प्रेस करें, नीचे आपको दिख रहा होगा जल्दी से प्रेस कर दो, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख के यहां पर प्रेस आपको कर लेना है क्योंकि देखो लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है, तो यार आपको जरूर से जरूर प्रेस कर लेना है। बात करें दोस्तों यहां पर टीम की तो आज के जीके सेक्शन में देखो, जीके सेक्शन में आप जो है टेक्नोटी की बात करें तो यहां पर 2% सिलेक्शन के साथ आपको दी जाएगा, पिक कर लीजिएगा। बात करते हैं डिफेंडर सेक्शन की, देखो इस वाले गेम में दोस्तों एमओआर को हमने फेवर किया, 7-4 का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, लेकिन हमने ऐसा टीम नहीं क्रिएट किया कि मतलब आप देखोगे तो इस वाले गेम में हम क्लीन चिट के साथ
चल रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है स्कोर रखा है दोस्तों, यहाँ पर जो है ड्रो देखने को स्कोर 1-1 का हमने स्कोर कार्ड रखा है। बाकी यहाँ पर चांसेस और भी आपको होते हुए दिख सकता है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पर एमओआर की टीम थोड़ा अच्छा करते हुए दिख जाएगी इस वाले गेम में। ज्यादा भी मतलब गोल का स्कोर आपको 1-2 का भी मतलब स्कोर आपको देखने को मिल सकता है इस वाले गेम में। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है टॉप के जो है हकीमी को पिक करना है, बाकी यहाँ पर ये दो प्लेस पिक कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पर जो है ये दिख जाएगा इसको भी पिक कर लेना है। हालांकि काफी और भी ऑप्शन जैसे कि एगुड हो गया, फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है मेइबा हो गया जिसको ट्राई कर सकते हो, इकोलो को ट्राई कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शन जिनको यूज करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए हमने दोस्तों ये जो है कुल तीन प्लेस पिक करेगा, तीनों को पिक कर लीजिएगा। मिडफील्ड सेक्शन की बात करें तो यहां पर काफी सारे ऐसे ऑप्शंस दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही कम सिलेक्शन के साथ आते हैं, आपके लिए बहुत बड़े पॉइंट पिक साबित हो सकते हैं आज के इस मैच में। सबसे पहले यहां पर टॉप के तीन प्लेस पिक करना, इसका सिलेक्शन देख लो, यहां पर ककुडा का सिर्फ 26% ट्राई कर रखा है। आज इस गेम में पंट प्लेयर का काम आपके लिए कर सकता है तो पिक करके चलेगा, ग्राइंडिंग में तो वाइस कैप्टन भी लेके जा सकते हो। नीचे होगा दोस्तों तो यहां पर जो है अमरेला का देख लो, यहां पर सिर्फ 7% सिलेक्शन के साथ आपको दीजिएगा, पंटपी का काम करेगा। और बाकी दोस्तों इमरान की बात करें तो इसका भी सिलेक्शन देख लो, सिर्फ यहां पर 11% लोगों ट्राई करेगा। तो काफी सारे पंटपिक्स है दोस्तों जिनको आपको यूज करना है। अभी के लिए हमने ये पांचों प्लेयर्स को पिक कर रखा है, पांचों को पिक कीजिएगा। बात करते हैं फॉरवर्ड सेक्शन की, फॉरवर्ड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट प्लेस आपको देखने को मिलेंगे, भाई साहब मजा आने वाला है आपको यहाँ पर, इतने सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से बात करें इसकी तो यहाँ पर देखोगे तो 90% की चॉइस है। देखते हैं खेलते नजर आएगा तो हम बेशक टीम में पिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़े से चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, सो डैट्स वाई हमने ड्रॉप किया है। सैटरडे की बात करें तो 19% सिलेक्शन के साथ आपको देगा, टीम में पिक कर सकते हो, स्मॉलिंग प्लस ग्रैंडिंग दोनों में यूज कर सकते हो, और ग्रैंडिंग की टीम में एज अ वाइस कैप्टन, स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर के तौर पे आप लेके जा सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें यहां पर थियो की तो यहां पर देखो इसका भी 6% सिलेक्शन के साथ आता है, आप एज अ पंट प्लेयर अपने स्मॉलिंग ग्रैंडिंग दोनों की टीम में यूज कर सकते हो, यह भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहां पर जो है मंगालो की बात करें, ग्रैंडिंग में ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 1% सिलेक्शन के साथ आता है। और बाकी हदाई की बात करें तो यहां पर इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, मात्र 11% सिलेक्शन के साथ आता है, आज के गेम में पंट पिक का काम कर सकता है। जो सबसे बड़े प्लेयर्स है दोस्तों यहां पर ये दो प्लेयर्स रहे हैं जिनका सिलेक्शन देख लो, एक का 6 है और एक का सिर्फ 2% लोग ट्राई करेगा, दोनों बहुत बड़े पंट पिक्स है और दोनों के दोनों कैप्टन चॉइस प्लेयर्स है दोस्तों आज की इस मैच में, जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी स्मॉलिंग प्लस ग्रैंडिंग टीम में ट्राई कर लेना है। तो अभी के लिए दोस्तों ये दो प्लेयर्स आप पिक कर लीजिएगा। बात करते हैं हम टीम प्रीव्यू की, टीम प्रीव्यू की बात करें दोस्तों तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको टीम प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों कावी को एज अ कैप्टन, बाकी दोस्तों जो है मोकानी को हमने जो है एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर रखा, दोनों ही फेवरेट ऑप्शन है दोस्तों आज की इस मैच में अपने टीम के लिए जो है टॉप गोल स्कोर से, तो हमने यूज कर रखा है। अदर ऑप्शन की बात करें, अगर सेफ ऑप्शन की बात करें तो काफी सारे लोगों ने इसको एज अ कैप्टन ट्राई कर रखा है, बाकी लोगों ने इसको भी यूज कर रखा है, तो ये सेफ ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। हम बात करते हैं थोड़े हटके ऑप्शन की, देखो हटके ऑप्शन की बात करें तो टॉप में दोस्तों यहां पर ये दो प्लेस रहेंगे जिनको स्मॉली ग्रैंडी दोनों यूज करना है, फिर इमरान को ट्राई कर सकते हो, बाकी जो है अर्मला को ट्राई कर सकते हो, हकीमी को आप लेके जा सकते हो, ये बहुत अच्छा है, और ये दो प्लेस को भी ग्रैंडी में आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया फॉरवर्ड सेक्शन से कुछ ऐसे प्लेस जिनको अभी हमने टीम में पिक नहीं किया, लेकिन आपको ग्रैंडिंग में उनको जरूर ट्राई करना है, एज अ कैप्टन एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर काफी बहुत ही तगड़े ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, जो हमने आपको मेंशन कर दिया, यूज कर लीजिएगा। ये बेस्ट पिक्स है दोस्तों जिनको आप ग्रैंडिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो। बाकी स्मॉली के लिए जो ऑप्शंस थे सिंपली हमने सेफेस्ट यहां पर मैं फिर से मार्क कर देता हूं, जो सेफेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेंगे इनको आपको यूज कर लेना, मैंने मार्क कर दिया, आप अपने हिसाब से जो ट्राई कर सकते हो। और देखो सभी के सेट्स आपके सामने यार, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप अपने हिसाब से यूज कर लेना। बाकी आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। तो अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना है, एंड टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े दोस्तों तो जाके जुड़ जाओ, क्योंकि जो फाइनल टीम रहेगी सिंपली आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जाइए लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी आइकन भी और प्रेस कर लेना है। चलिए इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत